नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन के संयोजक नारायण लाल भदाला एवं समाज सेवी हरफुल गढ़वाल के नेतृत्व में सरीरी बोरखेड़ा मार्ग आम रास्ता पर शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शराब की दुकान आम रास्ते व 300 मीटर बालिका विद्यालय पर होने से विद्यालय में आने जाने वाले छात्र छात्राओं को व महिलाओं को रास्ते में से कुछ शराबी असामाजिक तत्वों द्वारा शराब के नशे में कथित रूप से अश्लील फपकियां व अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया, जिसका विरोध करने पर वे लड़ाई पर उतर आते हैं। शिकायत करने पर शराब के ठेकेदार द्वारा कुछ राजनीतिक ठेकेदारों द्वारा गांव वालों को डराया गया और धमकाया गया, इससे स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। ज्ञापनदाताओं ने इसे तो मांग की है कि शराब का ठेका वहां से हटाया जाए। ज्ञापन देते समय नशा मुक्ति युवा भारत आंदोलन के नारायण लाल भदाला, वार्ड पंच पुखराज माली, मनफुल चौधरी, हरदयाल सिंह चौधरी, श्रीलाल नायक, रामेश्वर अमरचंद सेन, अमरचंद प्रजापत इत्यादि मौजूद थे। आज नया बोरखेड़ा जो सरेडी के पास शराब का ठेका है, इस पर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। आखिर प्रशासन ऐसे मौके पर जहाँ 300 मीटर दूर बालिका विद्यालय है और आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, और गत पिछले दो दिन पहले श्रीलाल नायक जिसके साथ लूट हुई और रात चलते उसको मारा गया, आए दिन रात हमने उसका वीडियो बनाया था, 8 बजे के बाद भी ठेका चल रहा है और सुबह 5 बजे ही ठेका शुरू कर देता है। हमारी ये मांग है कि उस ठेके को कहीं ऐसी जगह पर लगावे जहाँ पर प्रशासन को कमाना है कमाए, लेकिन शांति भंग करके लड़ाई झगड़ा करवा के एक अपराध को पैदा करके क्यों ऐसा पैसा प्रशासन कमाना चाहता है, सरकारें कमानी चाहती है। मेरा एक ही निवेदन है कि उस ठेके की जगह लोकेशन चेंज की जाए। सरेरी में जो शराब का ठेका है हमारे बोरगढ़ रास्ते पर, उस पर दो दिन पहले हमारे भाई श्रीलाल नाई के साथ रात को दारू पीने वाले शराब के ठेके पास ही उस पर जानलेवा हमला किया था, और ठेके के 300 मीटर दूर पर बालिका स्कूल चलती है और लड़कियां जो कोचिंग करने जाती है सरेड़ चौराहे पर, उनके साथ शराब जो पीने वाले हैं वो वहाँ पर छेड़खानी करते हैं, उन पर कमेंट्स करते हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि इस ठेके का स्थान परिवर्तन किया जाए। रात को 8 बजे बाद भी ये शराब बेचते हैं, इसलिए अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो 10 दिन के अंदर हम वहाँ ठेके के बाहर धरना देंगे